खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। पढ़ो और पढ़ाओ योजना, हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो वहाँ अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवाना पड़ता है, करवानी पड़ती है, तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गाँव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। अब देखिए कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे, कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि भाई क्या हर साल, हर महीने यहाँ लिखा है। ये 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो, जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सब को देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने उसकी नियत समझो, जो पार्टी घोषणा कर रही है उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ पे 4000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।